वेलकम दोस्तों, आज वीडियो में जानने वाले हैं यूनिवर्सल पीसीबी के बारे में। देख सकते रहेंगे, ये हमारा यूनिवर्सल पीसीबी है। ये पीसीबी हम स्प्लिटेसी हो गया, डीएक्स हो गया, या फिर इसे मॉडिफिकेशन करके कहीं पे भी यूज कर सकते रहेंगे। इसके हम पूरा फीचर्स के बारे में, डिटेल्स के बारे में समझेंगे, वायरिंग के किस तरह करेंगे, चालू करके मोटर देख सकते हैं, मोटर भी हमारे पास है, मोटर कनेक्शन वगैरह करके सब कुछ इसमें एक एक पार्ट्स को जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे। अगर आप ये सब के बारे में जानना चाहते हैं, इसी यूनिवर्सल पीसीबी के बारे में जानना चाहते हैं, इसका फंक्शन के बारे में, सेटिंग के, वायर कनेक्शन के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं, तो ये पूरा वीडियो देखिए आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ये वीडियो स्पेशली हमारे नए टेक्नीशियन भाई के लिए, जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं, ये फील्ड में आना चाहते हैं, नए लोग हैं, ये वीडियो उन लोग को आप भी शेयर करें, आप भी नए टेक्नीशियन नए लोग का हेल्प करें। ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर कहीं पर शेयर कर सकते रहेंगे। आप देख सकते हैं जो ट्रांसफार्मर में यूज़ किया गया है 13.5 वोल्ट का यूज किया गया है, 0.25 एम्पियर का ये लोड लेगा, ये नॉर्मल ये ट्रांसफार्मर का लोड का कैपेसिटी पावर दिया है। ये जो यूनिवर्सल पीसीबी है ये हमारा इन्वर्टर पर वर्क नहीं करेगा, जो एसी हमारा ब्लोअर मोटर रहता है, इसी ध्यान रखिए, जो हमारा ब्लोअर मोटर एसी है उसी पर ये सिस्टम वर्क करेगा। इसे मॉडिफिकेशन करके कहीं पर भी यूज कर सकते रहेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको जरूर जानकारी मिलेगा। देख सकते रहेंगे हमारे पास यूनिवर्सल पीसीबी हो गया, और उसके बाद फिर से ये जो हमारा है कीबोर्ड, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, इसमें है क्या चीज़। ये देख सकते यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ये मेन हमारे से लिंक फिगर या कनेक्शन वगैरह दिया हुआ है। पहले यहाँ पे कनेक्शन दिया है, समझा दिया है आपको, इसमें कुछ आप गलत ना करें, शॉर्ट सर्किट ना करें। देख सकते रहेंगे यहाँ पर दिया हुआ है, ये बता दिया, यहाँ पर कुछ भी आप गलत ना करें ये समझ करके वायरिंग कर सकते रहेंगे। तो थोड़ा हम समझ लेते हैं ड्राइंग किस तरह से दिया हुआ है, जिससे हमें आसानी रहेगा काम करने के लिए। तो कुछ सीधा सीधा इस तरह से पकड़ लेते हैं, यहाँ पर देख सकते रहेंगे लिखा, यहाँ पर देख सकते रहेंगे वोल्टेज इन लिखा हुआ है, एल एन लिखा हुआ है, जैसे रहेंगे फेस न्यूट्रल एग्जाम्पल मान सकते हैं, लाइन और न्यूट्रल है। ये लाइन न्यूट्रल कहाँ पर है, यहाँ पर आ रहा है पीसीबी के यहाँ पे, यहाँ पर देख सकते रहेंगे, ये हमारा एल लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये एन लिखा हुआ है, लाइन न्यूट्रल है, ये हमारा लाइन यहाँ पर आ गया, न्यूट्रल यहाँ पर आ गया, देख सकते रहेंगे ये हमारा न्यूट्रल है, ये 220 वोल्टेज यहाँ पर इन लिखा हुआ है। दूसरा तो ये बात क्या हो रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्रेसर COMP लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं टर्मिनल से, ये टर्मिनल कहाँ पर जा रहा है, देख सकते रहेंगे यहाँ से निकल के आ रहा है कंप्रेसर को, प्लस आउटडोर फैन मोटर, यानी कि स्प्लिट एसी है तो एक साथ में हमारा कंप्रेसर और फैन दोनों स्टार्ट होता है। तो उसके लिए यहाँ पर कंप्रेसर से आउटडोर जा रहा है, यहाँ पर देख सकते रहेंगे डायरेक्ट कंप्रेसर जा रहा है फेस, और यहाँ पर कंडेंसर फैन जा रहा है, न्यूट्रल जो हमारा कंप्रेसर को यहाँ पर डायरेक्ट मिला हुआ है, और जो कंडेंसर फैन है उसको भी डायरेक्ट न्यूट्रल मिला हुआ है, फेस यहाँ से मिल गया, कंप्रेसर वर्क कर गया, कंडेंसर वर्क कर गया, यहाँ से पावर इन हुआ, पिन हुआ, यहाँ से पावर हमारा इन हुआ, और यहाँ से कंप्रेसर के सीपी पावर आउट हुआ, ये हमारा इधर से वर्क करेगा, ये क्लियर हो गया। देख सकते हैं यहाँ पर दो है, ये हमारा इन हो गया, यहाँ से कंप्रेसर का आउट होता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते रहेंगे यहाँ पर कुछ कनेक्शन दिया हुआ है, ये हम समझते हैं ये कनेक्शन क्या चीज के लिए है, यहाँ पर आप देख सकते रहेंगे। आज हम प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे आपको, पूरा वीडियो देखिएगा, हम प्रैक्टिकली करके वन बाई वन सब पूरा अच्छी तरह डिटेल्स में समझाएंगे बताएंगे। यहाँ पर देख सकते रहेंगे यल ओ मीडियम हाई वी आर दिया हुआ है, तो ये है क्या चीज, ये सकते रहेंगे ये हमारा चार रिले दिया हुआ है, यहाँ देख सकते रहेंगे ये चार रिले, ये रिले जो हमारा ये भी रिले है, ये हमारा कंप्रेसर का रिले है, ये हमारे NONC कंप्रेसर का रिले, ये भी NONC है, ये हमारा ब्लोअर के लिए रिले है। यहाँ पर हम समझ लेते हैं ब्लोअर का, यहाँ पर देख सकते रहेंगे ये आ रहा है ब्लोअर, ये फैन मोटर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है फैन मोटर, न्यूट्रल यहाँ पर देख सकते हैं न्यूट्रल हमें डायरेक्ट देना है, मोटर जो रहता है कैपेसिटर भी डायरेक्ट अलग देना है हमें, देख सकते रहेंगे मोटर जो हमारा अलग से कैपेसिटर न्यूट्रल डायरेक्ट देना है, सिर्फ यहाँ से फेस पावर ही आएगा, यहाँ से पीसीबी से जो आउट होगा हमारा फेस पावर ही आउट होगा। यहाँ देख सकते रहे ये जो हमारा तीन है, यहाँ पर जो है हमारा लो मीडियम हाई, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, इसके अंदर आप देखेंगे नया लेंगे ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं येल लो लिखा हुआ, मीडियम लिखा हुआ, हाई लिखा हुआ, उसके अंदर शॉर्ट में लिखा हुआ है येल्लो MEDHI मीडियम लिखा हुआ, उसके बाद लिखा हुआ UR, यहाँ पर देख सकते लिखा है सॉरी VR लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते रहेंगे लिखा हुआ VR, यहाँ देखते हैं एक वायर आ रहा है यहाँ पे VR, यहाँ पे वाल लिखा हुआ है, न्यूट्रल यहाँ पर दिया हुआ है और वाल लिखा हुआ है, यहाँ से पावर जाता है VR, यहाँ जाता है, ये है क्या चीज, VR मिस हो जाता है हमारा, रिवर्स वाल है, ये हमारा रिवर्स वाल है, रिवर्स वाल क्या होता है कि हमारा स्प्लिट एसी है, उस पर हीट एंड कूल मोड दिया हुआ है, हीट एंड मोड, हीट मोड दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा जो हमारा सोलेनोइड वाल्व रहता है
हीट मोड के लिए उसको एक्स्ट्रा पावर जाता है ऑन करने की। नॉर्मल यहाँ से हमारा कंप्रेसर चालू हो रहा है, यहाँ से नॉर्मल हमारा जो है कंप्रेसर चल रहा है, बट यहाँ से रिवर्स वाल्व के लिए दिया है पावर। यहाँ पर देखते हैं आरवी वीआर जो है रिवर्स वाल्व के लिए यहाँ पे पावर दिया हुआ है। ये जो है रिवर्स वाल्व जिसे जानते हैं सोलेनोइड वाल्व है, वो अपना रेफरेंस साइकिल को उल्टा कर देता है। कंप्रेसर तो हमारा चाहिए चलना है, कंप्रेसर कंडेंसर चलना ही चाहिए चाहिए, लेकिन रिवर्स वाल्व है उसके लिए एक्स्ट्रा कॉइल को पावर देने के लिए यहाँ से दिया हुआ है रिवर्स वाल्व, यहाँ पर दिया हुआ है यहीं से आउट। यानी कि ये जो हमारा पीसीबी है हीट एंड कूल मोड पे भी वर्क करेगा और नॉर्मल एसी पे भी वर्क करेगा, बट ये हमारा इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे नहीं वर्क करेगा। ये जो हमारा पीसीबी है ये हमारा इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे नहीं वर्क करेगा। यहाँ पे हम दिखा देते हैं डिटेल्स में, पूरा साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है। ये हमारा आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे देख सकते रहेंगे दिस प्रोडक्ट डज नॉट अप्लाई इन्वर्टर एसी, देख सकते हैं लिखा हुआ है दिस प्रोडक्ट डज नॉट अप्लाई इन्वर्टर एसी। ये हमारा जो है इन्वर्टर एसी के लिए नहीं है, नॉर्मल स्प्लिट एसी है उसके लिए स्पेशल वर्क करेगा। ये हो गया हमारा। अभी हम इसके बारे में और पार्ट्स के बारे में समझ लेते हैं। ये हमारा जो है देख सकते रहेंगे एक सेंसर है, ये देख सकते रहेंगे एक सेंसर है, ये सेंसर है, ये भी सेंसर ये जो डिस्प्ले का मान सेंस करेगा, और ये हमारा ट्रांसफार्मर है। तो इसका हम क्या समझते हैं, कई बार हमारा कंफ्यूजन रहता है ऐसा कौन सा वायर कहाँ पर लगेगा, क्या कैसा लगेगा, उसके लिए हम बता दें आपको जो कनेक्शन ये है यहाँ पे वायर जो है ये हमारा दूसरे किसी पर नहीं लगे, जो जहाँ पे यूज होना है वहीं पर ही लगता है। कोई सा भी कनेक्शन कनेक्टर दिया रहता है जो कंपनी का रहता है। तो ये कनेक्शन है, जैसे देखते हैं यहाँ पर चार पॉइंट है, यहाँ पर दो ही है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है, चार हमारा कहाँ यहाँ पर चार है, यहाँ पर ये देख सकते यहीं पर लगेगा। ये परफेक्ट साइज सेम टू सेम इसी साइज का बना, यहाँ पर नहीं लगेगा किसी में नहीं लगे, ये यहाँ पर हमने कनेक्टर लगा दिया फिक्स कर दिया। और उसके कलर कोड भी देख सकते हैं ये व्हाइट कलर का है, व्हाइट टू व्हाइट सेम हो जा रहा है। अभी सेंसर है हमारे साथ रूम टेम्परेचर सेंसर है दिया हुआ, यहाँ पर देख सकते ये सेंसर है, तो ये हमारा कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर भी दो लगा, ये दो पॉइंट है, यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो, बट यहाँ पर साइज जो है डिफरेंस है, सेम साइज नहीं है, यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर ही ये लगेगा। तो अभी हम ये चीज देखते हैं उल्टा सीधा रहता है, यहाँ पर लगाएंगे उल्टा सीधा रहता है, तो आप जो सीधा लगा कर इसमें घुसाएंगे, देखिए ये हमारा सेंसर भी इसमें लग गया राइट। अभी हमारा होता है ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है टी आउट इन, यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा इन है, एसी इन है और यहाँ से ट्रांसफार्मर आउट है। तो यहाँ पर हम समझते हैं ट्रांसफार्मर इन और आउट क्या क्या खेल है। ये सकते रहे ये हमारा दो है वायर है, ये ट्रांसफार्मर ये दो वायर है, यहाँ पर कौन सा कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर जो हमारा ये पावर यहाँ पर इन है, सीधा सीधा देखा जाए तो इसमें प्राइमरी सेकेंडरी रहता है, ये हमारा ऐसे सीधा ये हमारा इन है और ये हमारा आउट रहेगा, वो भी हम क्लियर करा देते हैं। सॉरी इसमें जो है कनेक्शन शायद कुछ अलग दे दिया गया है, ये ट्रांसफार्मर थोड़ा मेथड चाइना है, थोड़ा उल्टा कर दिया है। ये देखते रहे ये जो हमारा रेड कलर का ये हमारा इन है, ये देख सकते रहेंगे क्योंकि जो कनेक्टर है यहाँ पर बड़ा लगा हुआ है, कनेक्टर में डिफरेंस आई है, देख सकते रहेंगे ये कनेक्टर जो है यहाँ पर ही डिफरेंस है, देखते एक बड़ा है एक छोटा है, तो बड़ा वाला जो है यहाँ पर एक इन है, यहाँ पर हम बड़ा वाला लगाते हैं, उसके लिए कुछ इस तरह से रहेगा, ये देखिए दिख करके हम इसमें उसके लगाएंगे, नहीं फिर अगर हम गलत लगा देंगे फिर बाद में क्या होगा हमारा चलेगा नहीं, चालू नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर ये लग गया, देख सकते रहेंगे यहाँ पर ये लग गया ट्रांसफार्मर का जो है पावर, ये रेड कलर का इन है और ये हमारा दूसरा व्हाइट जो ब्लू कलर का है ये हमारा आउट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आउट लिखा हुआ ट्रांसफार्मर आउट लिखा हुआ है, ये है पॉइंट आउट का जो है यहाँ पर लगाओ, तो हम यहाँ पे आउट पॉइंट पर लगा देते हैं, ये देखिए हमारा आउट पॉइंट पर लग गया। ओके ये हमारा जो रूम का रिमोट का सेंसर है और ये हमारा रूम का सेंसर है, ट्रांसफार्मर हो गया, अभी हमारा बच्चा फेन के लिए बचा और हमारा फेस न्यूट्रल के लिए बचा और ये हमारा रिमोट है। तो ये देखिए हमारे पास जो है ये मोटर है, ये हमारे पास देख सकते रहेंगे ये मोटर है और हमने अलग से कैपेसिटर भी लगाया हुआ है, ये वायर है थ्री स्पीड का है। जी सर मैं बता दें अगर आपका स्प्लिट एसी है उसके अंदर सिर्फ जो एसी मोटर है वही वर्क करेगा इस यूनिवर्सल पीसीबी में लगेगा, डीसी मोटर जो रहेगा वो हमारा यूनिवर्सल पीसीबी में वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ जो आउट होता है सिर्फ हमारा एसी वोल्टेज ही आउट होता है, डीसी वोल्टेज आउट नहीं होता है, ये आप माइंड में रख लीजिएगा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है हमने इसका ये मोटर जो है इसका किस तरह से हम आइडेंटिटी करेंगे, पीसीबी रहता है जो
जो पीसीबी लगा रहता है उसमें हाई लो मीडियम रहता है, तो उसमें मालूम चलता है किस तरह से हाई लो मीडियम है, कहाँ पर वायर लगा हुआ है। ये देख सकते रहेंगे यहाँ पे जो नॉर्मल हमारे पीसीबी, ये भी यूनिवर्सल पीसीबी है, इसके बारे में दूसरा वीडियो बना हुआ है। और अभी हम आपको थोड़ा स्प्लिट एसी का पीसीबी दिखाते हैं। ये हमारा भी टोटल, ये हमारा कनेक्शन रेडी है, ये देख सकते रहेंगे ये हमारा यूनिवर्सल पीसीबी के टोटल कनेक्शन रेडी है। तो अभी हम यहाँ पे इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं, यहाँ से इसको हमें अलग कर लिया। कैपेसिटर भी रेडी है, ये भी लग गया। और अभी इसको क्या चाहिए, पावर चाहिए। पावर के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास टेस्टिंग लैंप है, टेस्टिंग के लिए बना हुआ है, फेस न्यूट्रल दिया हुआ है। तो ये हमारा न्यूट्रल को लिए ब्लैक है और ये फेस है। फेस हम क्या करेंगे, फेस यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है, तो हम यहाँ क्या करते हैं फेस डायरेक्ट यहाँ पर दे देते हैं। देखिए हमने फेस यहाँ पर डायरेक्ट दिया, और ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल पे यहाँ पर हमें देना है, तो न्यूट्रल हम क्या करते हैं यहाँ पर भी डायरेक्ट हम दे देते हैं। तो न्यूट्रल को साथ साथ में हम क्या करते हैं, एक और एक चीज एलईडी लगा लेते हैं, ये हम एलईडी लगा लेते हैं कंप्रेसर के लिए, चेक करने के लिए कंप्रेसर हमारा आउट होता है या नहीं होता है। एक बार हमने यहाँ पर लगा लिया, इससे हमें मालूम चलेगा कंप्रेसर हमारा आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए हमने यहाँ पर एक लगाना है, क्योंकि अभी पार हमारा कंप्रेसर नहीं है, तो कैसे आपको दिखाना है इसी जोर हम बताते हैं आपको। डायरेक्ट से कंप्रेसर पर नहीं लगाना है, हमें जो कॉन्ट्रेक्टर रहता है उसके ऊपर लगाना है। कॉन्ट्रेक्टर का जो सीपी पावर जाता है, कॉन्ट्रेक्टर ऊपर पावर जाना चाहिए। डायरेक्ट रहेगा तो हमारा खराब हो सकता रहेगा रिले, क्योंकि ये नॉर्मल खराब नहीं होगा, ये हमारा 30 एम्पियर तक का लोड ले लेगा, इसके ऊपर जो है 30 एम्पियर तक का लोड ले सकता है, ये इतना पावर इसके अंदर दिया हुआ है। ओके, तो ये अभी हमारा कंट्रोल रेडी है वर्क करने के लिए। और यहाँ से हम न्यूट्रल दे देते हैं, न्यूट्रल का भी एक वायर है, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे सिंबल लगा देते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं, आप कहीं पर भी यूज कर सकते रहेंगे, कनेक्टर के माध्यम से भी यूज कर सकते रहेंगे। हमारे पास कनेक्टर नहीं है इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर ले रहे हैं। और एक चीज़ और बता दें, आप कभी भी काम करेंगे तो केयरफुल वर्क करिएगा, नहीं तो क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और हम इसको पावर ऑन करते हैं, आवाज़ सुना, बीप का आवाज़ आया, पावर अभी कुछ चालू नहीं है क्योंकि हमारा एसी ऑफ है। यहाँ पे भी पावर देते रहेंगे, ये पावर अप पे मोड है, ये ग्रीन होगा तो हमारा ऑन होगा या फिर सेंसर का ये काम करेगा, और ये ऑटो मोड है ये हम समझेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, रिमोट है, रिमोट से हम इसको ऑन करते हैं। रिमोट से हम यहाँ से ये देखिए हमने ऑन किया, फैन डायरेक्ट हमारा चालू हो गया। हम देखते रहेंगे फैन आवाज़ सुन सकते हैं, डायरेक्ट हमारा चालू हो गया 26 से, ऑटो मोड पर चल रहा है ये। और अभी हमारा जो ये कूलिंग के लिए था इंडिकेटर लगाया था, अभी हमारा कंप्रेसर नहीं ऑन हुआ है। कंप्रेसर हमारा ऑन होने के लिए 3 मिनट का टाइम लगता है, 3 मिनट में ही हमारा जो है वापस कंप्रेसर ऑन होता है। उसके लिए भी हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर जो है हमारा ज़्यादा है, 26 है, तभी हम क्या करेंगे टेम्परेचर डाउन करें। टेम्परेचर डाउन करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं बटन दिया हुआ है, यहाँ पर हम करते हैं टेम्परेचर डाउन 24, 23, 22, 21। ये देखिए 20 पाया, हमारा ये कंप्रेसर चालू हो गया। और यहाँ पर भी देख सकते रहेंगे कुछ इफेक्ट देखने को मिला है। पहले जो हमारा इंडिकेटर था सिर्फ रेड चल रहा था, कंप्रेसर जैसे ऑन होगा तो हमारा यहाँ पर इंडिकेट करेगा, डिस्प्ले मालूम चलेगा ग्रीन कलर का लाइट जल जाएगा, जिससे मालूम चलेगा हमारा कंप्रेसर भी चालू हो गया है। तो और भी इसमें बहुत सी सेटिंग है रिमोट का, सेटिंग के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में जानने के लिए हमारा दूसरा पार्ट में वीडियो बनाएंगे, नहीं तो हम एक ही पार्ट में वीडियो बनाएंगे तो वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बहुत से लोग बोर हो जाते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं वीडियो लंबा हो जाता है। तो बेसिक चीज़ हमने बताया किस तरह से इसे चालू करते हैं, कनेक्शन करते हैं, फंक्शन क्या रहता है, और इसके रिमोट के फंक्शन के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए हमारा पार्ट 2 वीडियो देख सकते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं सीखना इसके बारे डिटेल्स में और भी, तो कमेंट करिए, उसके बारे में हम बताएंगे। अगर आप ये पीसीबी ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक बार विजिट करिए, आप बाई कर सकते रहेंगे। इसका प्राइस क्या है, किनारा है, 2-3 मॉडल का दिया हुआ है डिजिटल में, नॉर्मल में, तो आप विजिट करिए, बाई करिए। ये वीडियो और लोगों के पास शेयर करें जो इस सब के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। आज आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।